हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं जरूर एक और नई वीडियो के साथ आज हम खेलने रहे हैं GTA 5। तो आज की ये वीडियो होगी काफ़ी ज़बरदस्त। वीडियो को एंड तक पूरा वॉच कीजिएगा और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और जो भाई नया इस वीडियो पर आया है तो वो सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी भाई साहब, जिमी ने हमको बोला है कि हमें सुपर कार चाहिए, तो उसकी बर्थडे है तो माइकल उसको गिफ्ट करना चाह रहा है, लेकिन माइकल के पास जो है बजट बहुत कम है। तो इसका एक दोस्त है, उसके पास जाएंगे और उससे बात करेंगे कि फिलहाल हमें गाड़ी दे दो और हमारे पास जो पैसे हैं वो आप रख लो, तो बाकी भाई साहब उससे उधार कर लेंगे और बाद में मतलब उसको पे कर देंगे। तो फटाफट जाते हैं, उसको हमने कॉल की थी तो वो क्लब के अंदर है, तो अब हम जाएंगे क्लब में। सबसे पहले क्लब में जाएंगे और वहाँ पर जाकर उससे बात करेंगे कि हमें गाड़ी के बारे में मतलब गाड़ी देता है या नहीं देता है, और उसके मतलब शोरूम के अलावा भी मतलब उसने घर में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी की हुई हैं। तो उसने मुझे बताया कि आप आ जाओ तो बात कर लेंगे, वहां पर जो भी सीन हुआ तो देखी जाएगी, मतलब बातचीत करेंगे, अगर बन गई बात तो गाड़ी ले आएंगे, वरना कोई और जुगाड़ लगाना पड़ेगा अभी ख्याल से लग ना जाए। तो फटाफट मैं लोकेशन लगा लेता हूँ, एक मिनट कहीं आगे पीछे ना निकल जाऊँ। तो किधर गया हमारा क्लब, अबे यार नज़र नहीं आ रहा, इधर ही था तो सॉरी। अच्छा ये नीचे है, मैं उल्टा देख रहा था। तो अब हम क्लब में जाते, अबे भाई साहब माइकल आराम से। तो माइकल ने ये जो बाइक है ये भी जिमी को पिछली बर्थडे पे गिफ्ट की थी, तो इसी से अब हम जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी थोड़ी ख़राब हो रखी है भाई साहब, तो इसी से जाएंगे। और गाड़ी उम्मीद करता हूँ यार कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब गाड़ी हमें मिल जाएगी। तो पुराना फ्रेंड है हमारा, तो ये है कि मतलब आजकल की दोस्ती है तो कोई नहीं, लेकिन उससे बात करते हैं, उम्मीद तो है। बाकी भाई साहब जो होगा देखा जाएगा। तो एक मुझे कार चाहिए, वो भी बहुत लग्जरी मतलब सुपर कार चाहिए। तो माइकल वैसे तो ले लेता है, लेकिन माइकल को मतलब इसकी कंपनी में बहुत लॉस हो चुका है, इसलिए माइकल अभी इतने पैसे नहीं ले पा रहा, लेकिन कोई बात नहीं। अबे यार बच गया माइकल, तेरे मुंह पे सीधा लगी थी, कोई नहीं। तो भाई साहब हम क्लब पहुंच चुके हैं, तो यहीं पर अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं, अपने बाइक को पार्क करके, और अब हम अंदर जाते हैं, ज़रा बातचीत करते हैं। क्लब के अंदर आ चुके हैं भाई साहब, क्लब का माहौल काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो ये वाइट कपड़ों में ये ठहरा हुआ है, ये बंदा है भाई साहब, इससे बात करते हैं। तो फाइनली हमने इससे बात कर ली है, तो भाई साहब ये तो नहीं मान रहा, ये कह रहा है कि नहीं यार मतलब बहुत महंगी कार है और तुम्हारे पास पैसे भी काफ़ी कम है, तो मैं तुम्हें इसमें से कोई भी कार नहीं दे सकता हूँ। तो इसने बताया कि मेरा एक दोस्त है, तो उसके यहाँ भी मतलब काफ़ी गाड़ियाँ शाड़ियाँ ठहरी हुई हैं, तो तुम वहाँ पर चक्कर लगा लो, लेकिन हमें बाइक मतलब कार तो चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो अगर नहीं देता तो हमें हमारे पुराने रूप में वापस आना पड़ेगा भाई साहब, जैसे कि माइकल मतलब पुराना माइकल अगर बन गया तो इसकी ऐसी की तैसी बन जाएगी, इसकी सारी गाड़ियां जो है वो हम ले लेंगे। कोई बात नहीं, फिलहाल दोस्त है तो अगर ऐसे नहीं मान रहा तो दूसरी तरह से इसको मनाएंगे। मतलब यार अभी इसको क्या कह सकते हैं, इसने हमारे साथ मतलब अच्छा नहीं किया यार, हमने इसके मुश्किल में बहुत सारा काम आए थे, लेकिन ये जो है हमारे काम नहीं आ रहा है। बाकी भाई साहब कोई नहीं, अब हम कार का लोकेशन लगाई है, लेकिन एक मिनट मैं फ्रैंकलिन को कॉल करता हूँ, फ्रैंकलिन से पूछता हूँ वो किधर है। तो भाई साहब फ्रैंकलिन को मैंने रास्ते में पिक कर लिया था, फ्रैंकलिन भी हमें मिल चुका है, इसके साथ मैंने बात शेयर की है सारी। तो ये कह रहा है तो अगर नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं, हम दूसरी तरीके से गाड़ी उधर से चुरा लाएंगे। तो अब हम सीधा उसके घर में जा रहे हैं भाई साहब, लोकेशन मैंने लगा दी है, तो वहाँ पर जाते हैं और चेक करते हैं वहाँ से मतलब अपनी जो गाड़ी जो भी हमें पसंद आएगी वो हम वहाँ से उठा लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वहाँ पर घर ना पहुँचा हो, अगर ये वहाँ पर हुआ तो काफ़ी मसला है। फिलहाल तो ये क्लब में था, तो यहीं से हम बाहर से जाते हैं फटाफट से और मतलब रोबरी कर लेंगे, कार रोबरी कर लेंगे। तो इसका घर काफ़ी दूर है, लेकिन कोई बात नहीं। बाकी भाई साहब काफ़ी ज़बरदस्त मौसम बिल्कुल साफ़ हो रखा है भाई साहब, क्लियर मौसम है, तो दिन दहाड़े ही रोबरी करेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
अबे काफी मुश्किल रास्ते हैं यार, मतलब पहाड़ियां हैं, और हमारी बाइक भी काफी पुरानी है। ये ना हो कि इसका इंजन भी यहाँ पर फेल ना हो जाए। बहुत जोर लगा रही है, आप इसका साउंड सुनो जरा। अबे मैंने कहा तो रास्ता देखो नहीं, तो अभी ठीक हो चुका है इसका साउंड वगैरह। मतलब चढ़ाई पर बहुत जोर मांग रही थी। बस उसका घर भी काफी दूर है, अभी पास के मैं पहुंच चुके हैं, हम पास पहुंच चुके हैं। तो कोई नहीं, अपनी कार लेंगे यार उनसे, मतलब सुपर कार। अभी जिमी को गिफ्ट करनी है, और जिमी को वैसे इस बारे में पता नहीं है कि हमें लॉस हो चुका है काफी, तो वो तो हमें डिमांड कर रहा था, मतलब हमें सुपर कार चाहिए। तो बस सुपर कार चाहिए, उसकी जिद भी थी तो लेके देनी है भाई साहब, कोई बचता नहीं है। इसके लिए एक आध रोबरी और करनी पड़ जाए, कोई बात नहीं। वैसे अगली वीडियो जो आएगी उसके अंदर हम एक बड़ी रोबरी करेंगे। तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर रुकते हैं और वहां पर जाके चेक करते हैं। उतर जाना भाई साहब, उतर जा उतर जा। तो भाई साहब अंदर जाके चेक करते हैं, और मतलब क्या सीन है। बहुत सारी यहाँ पर कारें तो बहुत यार तगड़ी तगड़ी ठहरी हुई हैं भाई साहब, और सिक्योरिटी भी उससे डबल तगड़ी ठहरी हुई है। हर जगह पे बंदे ही बंदे उसने खड़े किए हुए हैं यार, और किसी के पास AK-47 और किसी के पास पिस्टल और SMG वगैरह। भाई साहब रॉबरी करना यहाँ पर काफी भारी पड़ सकता है हमें। तो फिलहाल उसके भाई ब्रदर्स मतलब फैमिली मेम्बर से जाकर बात करते हैं, कि उनसे वैसे ही मतलब शुगर मेले लगाते हैं कि वो किधर गया है। तो ये एक ठहरा हुआ उसका भाई Great, है लगता another है, hipster. Hi. ये कह रहा है दफा हो जाओ यार, इसने तो बिस्सी कर दी। कोई नहीं, वो कह रहा है घर में नहीं है, बाहर गया हुआ है। तो ये तो फाइनली हमें पता ही है क्लब में है वो। तो अब हम यहाँ पर रोबरी तो कर नहीं सकते हैं, बहुत बंदे हैं। अबे फ्रैंकलिन जल्दी आ जाए यार, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, कुछ दोस्तों को बुला के लाना पड़ेगा। मतलब रोबरी करनी है, बड़ी रोबरी है, कार स्टीलिंग कार चुरानी है। और ये मुझे पता है कुछ बंदे भी साथ ना ले आए भाई साहब। फ्रैंकलिन आ जा यार, अंदर ही ठहर गए। अबे आ जा बैठ जा यार, एक तो तेरी इनके अंदर सेन में मैं बाइक ले आया हूँ, वो भी हैरान परेशान होंगे यार सारे, ये कैसा अजीब तरीन बंदा है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो हम एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। वेट 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 वेट, इधर हम बाइक खड़ी करते हैं ना, तो एक मिनट यहाँ पर उसको कॉल करते हैं। तो भाई साहब फाइनली वो लोग आ चुके हैं, ये चार बंदे हैं और मैं और फ्रैंकलिन भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो भाई साहब आ जाओ मेरे पीछे पीछे, आ जाओ सारे। तो अबे तू कैसा चल रहा है, आ जा आ जा आ जा। वो यहीं पर ही हमें कवर देगा, यहाँ से देखेगा कोई पुलिस वगैरह तो नहीं आ रही कोई। अबे आ जाओ यार, कितने थके हुए अभी, हाँ Excuse खा के आ रहे हैं, तो चलो आ जाओ। कोई नहीं, हम ऐसे ही जाके फाइटिंग कर देंगे, मतलब उनके ऊपर रश कर देंगे पबजी की तरह। तो यहाँ से साइड से जाते हैं, आ जाओ आ जाओ। अबे आ जाओ यार, कितना आहिस्ता आते हो यार, अभी भाग के आ रहे हैं। अबे भाई साहब कैसे अजीब से लग रहा है, मतलब पूरी रोड इन्होंने कवर की हुई है, तो डेंजरस सीन होने वाला है भाई साहब। आ जाओ यार आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अबे यार मैं रुकता हूँ, वो इतनी डेंसिटी पता नहीं, मतलब इतना वक्फा क्यों रख रहे हैं यार। अभी यहाँ पर सामने हमने इकट्ठा होना पड़ेगा। अबे यार आ जा भाग के भाई साहब, जल्दी से आ जाओ यार सब लोग। तो यहाँ पर हम इंटर हो चुके हैं, तो इनको मतलब जो है अभी अभी मेरे पास यहाँ से शुरू करते हैं। अबे भाई साहब गाड़ियों को कुछ नहीं होना चाहिए यार, गाड़ियों को ख्याल करना, ये गाड़ियों के पीछे ही कवर ले रहे हैं। एक मिनट, मेरे पास स्नाइपर है, स्नाइपर से थोड़ा बहुत कवर लग रहा है यार।
अबे यार इन्होंने 2 मिनट में मेरे सारे बंदे ढेर कर दिए हैं यार। मुझे दूसरी गन निकालनी पड़ेगी यार कुछ। ये वाली जान ठीक है। अबे मेरे पास आए हुए तेरी ऐसी की तैसी। रुक रुक के तेरे इधर इसी दरख्त के पीछे सबको मारेंगे भाई साहब। किसी को नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते। अबे फ्रैंकलिन किधर गया यार? फ्रैंकलिन भी मारा तो नहीं जा चुका। फ्रैंकलिन को 2 गोलियां पड़ी हैं, ये बेहोश पड़ा हुआ है यार। भाई साहब फ्रैंकलिन को भी बचाना पड़ेगा। 1 मिनट में गाड़ी लाता हूँ, फ्रैंकलिन को बीच में डाल के ले जाएंगे। अबे इनमें से कौन सी गाड़ी लूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मतलब बहुत लग्जरी लग्जरी कार ठहरी हुई है, तो यही बेस्ट कार है यार टेक्नो गेमर्स की, यही कार ले देते हैं। अबे एक ये भी ठहरे हुए हैं, 2 वो सामने उनको लहर कुछ भी नहीं। 1 मिनट आराम से बाहर निकल गया ये। अभी फ्रैंकलिन को लेते हैं, फ्रैंकलिन को कार के अंदर डालते हैं भाई साहब। तो फाइनली हम फ्रैंकलिन को लेके गए थे हॉस्पिटल। इसको मतलब हॉस्पिटल से दवाई शवाई दिलाई है, इसको छू के गुजरी थी गोलियां और मतलब लगी नहीं थी। तो हमने अपनी कार रॉबरी मुकम्मल कर ली और थैंक यू फ्रैंकलिन, तुमने मेरी इतनी मदद की। तो भाई साहब आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।